तो हेलो गाइज, कैसे हो? आई होप आप सभी मस्त होंगे। सो गाइज, आज की वीडियो में बेसिकली बात करने वाला हूँ वीवो ऑल डिवाइस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको बताऊंगा कि आप इस मोबाइल में वीवो ऑल डिवाइस मोबाइल में कैसे आप फ्री में थीम्स को यूज करेंगे एंड कैसे इसको डाउनलोड करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कैसे बताते हैं। सो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही कमाल होने वाली, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं। सो गाइस, इसको स्टार्ट करने डाउनलोड करने के लिए थीम्स को सबसे पहले आपको थीम स्टोर में जाना होगा। आपके मोबाइल में कहीं भी थीम स्टोर होगा, आप वहाँ से चले जाइए थीम स्टोर में। तो मैं से अपने थीम स्टोर में चला जाता हूँ। अब जैसे ही थीम स्टोर में जाएंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। सो गाइस, यहाँ पर देख लीजिए बहुत सी थीम्स डाउनलोड खुलकर आ गए हैं। हमको फ्री में थीम्स चाहिए तो आपको यहाँ पर कहीं भी आपके मोबाइल में थीम्स दिखाई देगा, आपको वहाँ पर चला जाना होगा। तो यहाँ से मैं नीचे में अपने दूसरे नंबर थीम्स दिखाई देना, तो मैं उस पर क्लिक करता हूँ। जैसे क्लिक करेंगे इस पर तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब चलिए आपको बता देता हूँ इसको कैसे डाउनलोड करते हैं और कैसे यूज करते हैं। सो गाइज, इसको आप अगर किसी एक एक मोबाइल में करना चाहते हो तो आप भी जाकर कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको वीवो ऑल डिवाइस में बताने वाला हूँ। इसको करने के लिए आपको जैसे कि मैं यहाँ पर दूसरा दिखा रहा हूँ अंडर वाटर ड्राइव, इसको आप यहाँ से ओके कर लीजिए। अब चलिए मैं इसी को सेट करके दिखा देता हूँ डाउनलोड करके। डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर डाउनलोड फॉर फ्री का ऑप्शन है, यहाँ पर शो करेगा, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो मैं इस पर आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। सो गाइस, यहाँ पर हमारा डाउनलोड हो रहा है, थोड़ा वेट कर लेता हूँ। डाउनलोड होने के बाद अभी आपको अप्लाई करके भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए हमारा यहाँ पर डाउनलोड होने ही वाला है। सो गाइस, यहाँ पर हमारा डाउनलोड हो गया है। डाउनलोड होने के बाद अब आपको बता देता हूँ यहाँ पर एक ऑप्शन के बारे में। तो यहाँ पर देख लीजिए एप्लीकेबिलिटी दिखाई दे रहा है, एप्लीकेबिलिटी। तो यहाँ पर आपको बता देता हूँ यहाँ पर लॉक स्क्रीन आइकन्स होम स्क्रीन वाल पेपर के बारे में बता रहा है। तो पहले लॉक स्क्रीन पर जैसे दोस्तों अपने लॉक मोबाइल स्क्रीन को लॉक करने के बाद आपको जो वॉलपेपर होगा उसको चेंज करना चाहते हैं कि नहीं करना। अगर आप यही वॉलपेपर चाहते हैं जैसे इसमें जो थीम्स में है, तो इस पर आपको जो नीला ट्रिक है इसको आप रहने दीजिए ऐसे ही। अगर इसको नहीं करना चाहते आप इसको हटा सकते हैं। और यहाँ पर आइकन्स के बारे में दिखा रहा है, इसको आइकॉन्स को भी आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपको मैं इसमें अपने आइकॉन्स को नहीं चेंज करूँगा। और यहाँ पर हमारे दिखा रहा होम स्क्रीन वॉलपेपर, इसको अगर आप मोबाइल में जो होम स्क्रीन में देख लीजिए यहाँ पर इस तरह का मतलब फोटो दिखा रहा है यहाँ पे, अगर इसको भी आप चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको नहीं करने वाला हूँ। और यहाँ पर होम स्क्रीन वॉलपेपर को अगर नहीं करना चाहते हैं तो आप ऐसे इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब चलिए आप इसको अप्लाई करके बता देता हूँ कैसे होगा ये। तो यहाँ से आप अप्लाई कर दीजिए। तो मैं यहाँ पर थोड़ा वेट कर लेता हूँ, यहाँ पर हमारा अप्लाई हो रहा है। सो गाइस, देख लीजिए हमारे यहाँ पर अप्लाई हो गया। सो गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं कितना अच्छा लुक दिखाई दे रहा है। अगर आप भी जाकर ऐसे ही अपने मोबाइल में जाकर थीम स्टोर में जाकर फ्री वीवो थीम स्टोर में जाकर आप फ्री में ऐसे जाकर डाउनलोड करके यूज कर लीजिए। सो गाइस, आज की वीडियो बस इतना। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो पर नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।